नाम है अजय दो और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स को आप कैसे यूज़ कर पाते हैं। तो आपने इस कीवर्ड को आपने पहले भी सुना होगा एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले कि आप लारावेल के अंदर म्यूटेटर्स आप कैसे यूज़ कर पाते हैं। देखते हैं कि डेटाबेस फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जो कि है पोस्ट नाम की। उसके अंदर यूज़र आईडी है, टाइटल है और स्लग है। स्लग क्या होता है कि जैसे कि पोस्ट का आप एक टाइटल है और उसके थ्रू आप एक URL बनाते हैं। जैसे कि आपने कई वेबसाइट्स के अंदर ब्लॉगिंग के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक URL होता है जो कि टाइटल से रिलेटेड होता है, उसी के बिहा पर आपकी पोस्ट वगैरह फैच की जाती है, तो उसी को स्लग बोलते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक जो बॉडी लिया हुआ है जो कि टेक्स्ट टाइप का है और टाइम स्टैम्प हमने डाल दिया है। हमने एक यहाँ पर फैक्ट्री भी क्रिएट की हुई है जो कि पोस्ट से रिलेटेड है, जो कि डमी डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर डाल देगी जो कि टेस्टिंग के लिए होगा। यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, रैंडम नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में, और क्रिएटेड एट में टाइम हम जो है अभी का डाल रहे हैं। लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र फैक्ट्री भी हमें देता है, और यदि आप सीडर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लारावेल हमें यहाँ पर फैक्ट्री रन करने के लिए देता है। यहीं पर हम जो है पोस्ट फैक्ट्री भी हम रन कर लेते हैं और 10 रिकॉर्ड हम जो क्रिएट कर लेते हैं आप पोस्ट के लिए भी। यहाँ पर देखिए यूज़र के लिए 10 रिकॉर्ड हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का नंबर ही दे रखा है ताकि जो यूज़र की जो आईडी है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही एग्जिस्ट करे। उसके बाद हम अपने चलते हैं मॉडल्स के अंदर, और वहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पे पोस्ट नाम की क्लास जो कि होगी मॉडल, और यहाँ पर हम गार्ड या फिर फिलेबल हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर गार्ड डिफाइन कर एम्प्टी एरे मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर आप डेटाबेस देखेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस क्या है कि ब्लैंक है फिलहाल। अभी हम क्या करते हैं कि PHP आर्टिजन माइग्रेट कर लेते हैं और डेटाबेस को सीड भी कर लेते हैं। तो डेटाबेस को सीड करने के बाद आपके डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा आपको डमी डेटा देखने को मिलेंगे जो कि होगा पोस्ट होगा और यूज़र्स होंगे। तो पोस्ट के अंदर यदि हम चलते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइटल वगैरह है, और जो स्लग है अभी नल है, और स्लग नल इसलिए है क्योंकि हमने सीड करते टाइम जो हमारी फैक्ट्री है उसके अंदर हमने स्लग के टाइम पर कुछ पास नहीं किया है। इसके अंदर कुछ पास करने के लिए हमें अपने मॉडल के अंदर चलना रहेगा और वहाँ पर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना रहेगा जो कि होगा म्यूटेटर के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट टाइटल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर जो सेट टाइटल है वो क्या है कि हमारा म्यूटेटर है, यानी कि जो हमारी टाइटल की वैल्यू है उससे रिलेटेड है। अगर ये टाइटल की जगह अगर ये पोस्ट टाइटल होता तो मैं यहाँ पर लिखता पोस्ट, पी कैपिटल होता और टी भी हमारा कैपिटल होता, तो जो हमारा अंडरस्कोर है उसकी जगह पे कि वो कैपिटल लेटर हम जो यूज़ कर पाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अभी क्या है कि टाइटल है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए टाइटल लिखता हूँ जो कि होगा सेट टाइटल एट्रीब्यूट। तो जैसे ये टाइटल को सेट करेगा उसी टाइम क्या करना है इसे कि स्लग को भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। स्लग के लिए हम जो है यहाँ पर लारावेल का जो STR जो हमारा हेल्पर है उसकी मदद ले रहे हैं, उसके थ्रू हम एक स्लग क्रिएट कर रहे हैं जो कि टाइटल को रीराइट कर लेगा, यानी कि टाइटल के बिहा पर ही वो जो है स्लग जनरेट करके वो इसके एट्रीब्यूट के स्लग में डाल देगा, और उसके बाद हम डेटाबेस के अंदर उसको देख पाएंगे। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक है, देखिए मैं वापस से इसकी सीडिंग शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पे सीड किया लेकिन अभी बोल रहा है कि यहाँ पर टाइटल जो है वो नलेबल है, यानी कि टाइटल कुछ वैल्यू नहीं जा रही है टाइटल के अंदर, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइटल को हमने यहाँ पर रीराइट किया हुआ है कि म्यूटेट किया हुआ है, यानी कि तो हमें यहाँ पर टाइटल को भी लिखना रहेगा कि टाइटल के अंदर जो वैल्यू है वो टाइटल की ही रहेगी। यहाँ पर हमने अभी ब्लैंक छोड़ दिया था उसकी वजह से वो एरर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि टाइटल के अंदर भी वैल्यू डाल दिया और स्लग के अंदर भी हमने उसको स्लग पास कर दिया है। अब देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, वापस से हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लग के अंदर वैल्यू हमारी पास हो रही है। तो टाइटल और स्लग आप देखेंगे लगभग सिमिलर है, जो वर्ड्स हैं इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि टाइटल के बिहा पर ही स्लग जनरेट हो रहा है जो कि एक ऐसी फ्रेंडली हमारा टाइटल होता है। अब हम एक्सेसर्स के बारे में देखते हैं कि लारावेल के अंदर एक्सेसर्स क्या होते हैं। एक्सेसर्स यानी कि जब हम एक्सेस करते हैं किसी एट्रीब्यूट को, किसी टेबल की डेटा को, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने राउट फाइल में ही हम क्या करते हैं कि एक मॉडल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि होगा पोस्ट का, और उसके फर्स्ट डेटा को हम जब फैच कर लेते हैं और यहाँ पर 2 array करके हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो इसके अंदर डेटा को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ब्राउज़र पर चलते हैं और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डेटा मुझे मिल रहा है। यहाँ पर टाइटल है और यहाँ पर स्लग है उससे रिलेटेड, और यहाँ पर उसका बॉडी पार्ट है, और यहाँ पर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट है। तो जो क्रिएटेड एट है, अगर कोई पोस्ट क्रिएट किया जाता है तो हम चाहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा अच्छे से दिखे। जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा रहता है कि 2 महीने पहले क्रिएट किया गया है, 3 महीने पहले कोई पोस्ट क्रिएट किया गया है, या 2 दिन पहले क्रिएट किया गया, या लेटेस्ट है तो कुछ घंटे पहले क्रिएट किया गया। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे क्रिएटेड एट के बिहाफ पर।
जब वो पोस्ट क्रिएट किया गया या फिर पब्लिश किया गया उसके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएटेड एड को ही यूज़ कर रहा हूँ, आप पब्लिश एड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर डी फॉर ह्यूमंस आपको एक फंक्शन है जो कि कार्बन का है, उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है कि 2 मिनट पहले ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, जो कि हमें कुछ इसी तरीके का चाहिए होगा कि 2 मिनट या 2 दिन या 2 महीने पहले ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आप इसको फैच कर पाएंगे। बट इस चीज़ को हम जो है एक्सेसर्स के थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्रिएटेड एट यदि मैं फैच करूँ तो मुझे 2 दिन पहले या 2 मिनट पहले कुछ इस तरीके की वैल्यू आनी चाहिए। तो उसको मैं अपने मॉडल के अंदर मैं डिफाइन करूँगा कि पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर इस बार मुझे गेट लिखना रहेगा क्योंकि मैं फैच कर रहा हूँ। तो एक्सेसर्स यानी एक्सेस करना है तो मुझे गेट लिखना रहेगा, म्यूटेटर्स यानी म्यूटेट करना तो उसके लिए सेट वैल्यू करना रहता है, यानी कि सेट का मतलब अपडेट कर रहे हैं हम किसी एट्रीब्यूट को। यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं गेट करूँ क्रिएटेड एट को, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि गेट क्रिएटेड एट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ रिटर्न में क्रिएटेड एट की वैल्यू को, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए क्योंकि हमने डी फॉर ह्यूमंस हमने उसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हम उसके अंदर डी फॉर ह्यूमंस अब हम सेट कर देते हैं। तो मैं इसके एंड में यहाँ पर डी फॉर ह्यूमंस मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैं वापस इसको सेव करके वहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है, बोल रहा है कि कॉल टू मेंबर फंक्शन डी फॉर ह्यूमंस ऑन स्ट्रिंग, यानी कि वो एक एज अ स्ट्रिंग इसको कंसिडर कर रहा है, डेट नहीं कंसिडर कर रहा है। कार्बन का इंस्टेंस हमें इसे बनाना रहेगा तभी वो डी फॉर ह्यूमंस इस पर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कार्बन का इंस्टेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बन पार्स, और इसको हम पास कर देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर टॉप पर हमें कार्बन को इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ कार्बन और कार्बन। लार्वल बाय डिफ़ॉल्ट आपको कार्बन आपको देता है, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर वापस से हमें 4 मिनट एगो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटेड एट पर। तो अब हमने क्या किया है कि अब हम यदि हम डायरेक्ट अगर हम क्रिएटेड एट भी अगर हम फैच करते हैं तो हमें वही चीज़ दिखाई देगी जो हमने उसके अंदर मॉडल के अंदर सेट किया हुआ है, यानी कि फैच करते टाइम। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि यार ये पोस्ट क्रिएटेड एट के टाइम पर आना चाहिए, क्रिएटेड एट के टाइम पर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें कि क्रिएटेड एट यदि हम फैच करें तो उसकी वैल्यू को हम म्यूटेट कर रहे हैं, है ना, यानी कि एक्सेसर्स के थ्रू हम उसको बदल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि मैं पोस्ट क्रिएटेड एट के थ्रू मैं इसे फैच करना चाहता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर पोस्ट क्रिएटेड एट के थ्रू भी मैं यहाँ पर फैच कर पा रहा हूँ उस डेटा को। अब यदि मैं क्रिएटेड एट को यदि अब मैं फैच करता हूँ, मैंने यहाँ पर पोस्ट क्रिएटेड एट कर दिया है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, बट अगर मैं यहाँ पर पोस्ट हटा देता हूँ और मैं क्रिएटेड एट को यदि मैं फैच करता हूँ तो अब ये वापस अपने पुराने तौर तरीके से ही आता है। तो यहाँ पर क्रिएटेड एट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बल्कि हमने एक नया कॉलम उसके अंदर डाल दिया है, आप कह सकते हैं इस तरीके से एक्सेसर्स के थ्रू, जो कि होगा पोस्ट क्रिएटेड एट की पोस्ट कितने बजे क्रिएट की गई थी क्या है, तो उस चीज़ की वैल्यू को वो वहाँ पर अपडेट कर देगा। बेसिकली इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नेम वगैरह फैच करने के लिए होता है कि आपके टेबल्स के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और आप फुल नेम फैच करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को आप जोड़ दीजिए स्ट्रिंग के थ्रू, अब फिर आप उसको फुल नेम भी आप उसको फैच कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।